छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कल रविवार को सुबह 8 बजे से कल 3 दिसंबर रविवार को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। राज्य के जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मतगणना हेतु 90 मतगणना हॉल सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों में निर्धारित किए गए हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणना कर्मी और 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा 90 रिटर्निंग अधिकारियों के निरीक्षण में ये पूरे मतगणना की प्रक्रिया संपादित होगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना में पूर्ण पारदर्शिता रहे इस हेतु 90 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए हैं। प्रत्येक हॉल में मतगणना विधानसभावार पृथक पृथक रहेगी और हर विधानसभा के लिए 14 टेबल निर्धारित रहेंगे। राज्य में ऐसी 6 विधानसभाएं हैं जहां पर 14 की जगह जो है 21 टेबल पर गणना कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इन 6 विधानसभाओं में कवर्धा, पंडरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल और भरतपुर सोनत सम्मिलित है। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों और गणना एजेंटों तथा रिटर्निंग ऑफिसर और सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक प्रवेश द्वार रहेंगे। जगह की उपलब्धता को देखते हुए और हॉल के साइज को देखते हुए 3 प्रवेश द्वार रहेंगे और कहीं कहीं पर 2 प्रवेश द्वार अनिवार्य रूप से रहेंगे और सभी अभ्यर्थी और गणना एजेंट एवं उनके निर्वाचक एजेंटों को हमने फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया है। सभी से अनुरोध है कि ये परिचय पत्र लेकर ही प्रातः 7 बजे तक मतगणना परिसर में प्रवेश कर ले ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। मतगणना परिसर में मीडिया सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर में ही केवल मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना हॉल में मोबाइल फ़ोन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र दिखाने के उपरांत ही उस घेरे में प्रवेश संभव होगा। मतगणना केंद्रों के पहले और सबसे बाहरी प्रवेश द्वार पर जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है जहां से 100 मीटर का जो है पैदल यात्री क्षेत्र रहेगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए एक प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी और किसी भी वाहन को उसके बाद जो है पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी।